अस्सलाम वालेकुम जी, एन एन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। बाटा चौक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानवर आपने वीडियो में देखे। यहाँ पर एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो मंडी लगाई गई है तो ये जानवर कहाँ से लाए हैं और कितने में दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अच्छा है माशाल्लाह जी, काफ़ी प्यारा जानवर आप लेके आए हैं, तो कहाँ से लेके आए? बुरावियाड़ी से। बुरावियाड़ी से जी। तो कितना टाइम लगा यहाँ तक आने में? 24 घंटे। 24 घंटे जी। तो यहाँ पे ये जो मंडी लगाई गई है तो फी जानवर ये कितना आप पे कर रहे हैं? तकरीबन 6000। 6000 एक दिन का या बस एक ही दफा देते? एक दफा 6000। एक जानवर का 6000 पे कर रहे हैं। अच्छा, तो बाकी इनका ये चारा है, पानी वगैरह है, तो वो उसका क्या करते हैं? उसका 12 टाल में लेते हैं पट्टे। तो ये कितने का आप सेल कर रहे हैं? 5.5 लाख का। 5.5। तो कोई लगा है गाक शक के? अभी नहीं। नहीं, अभी नहीं लगा। फिर क्या करेंगे? कितने दिन हो गए यहाँ पे? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो डेली का कितना इस पे खर्चा हो रहा है? डेली 3-4 हज़ार का खर्चा हो रहा है। 3-4 हज़ार डेली का खर्चा हो रहा है। तो अभी अगर गाक 3-4 दिन और नहीं लगता है तो फिर क्या करेंगे? फिर फोल्ड करेंगे हम। मतलब इतने में ही देंगे जी। बड़ा प्यारा जानवर है यहाँ पे भी, और इस दफ़ा मंडी में काफ़ी ज़्यादा जानवर हुए हैं, भरी हुई है तकरीबन मंडी। और ये बाटा चौक रावलपिंडी में सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर, और ख़रीदारों के भी काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आप लेके आए? जी सी, हम लेके आए उकाड़ा से सर। उकाड़ा से जी सर। तो कितना कोई रेट है इस जानवर? ये 11 लाख रुपये मांगते हैं सर। 11 लाख जी सर। तो अभी तक कोई लगा है गाहक? अच्छा, 7 लाख रुपये लगा। 7 लाख तक? जी जी। इतना महंगा क्यों आप दे रहे हैं? क्या खिलाते क्या है इन जानवरों को? और अंडे खिलाते हैं, और क्या खिलाना है हमने? इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र होगी 3.5 साल। 3.5 साल जी सर। अभी ये यहाँ पर जो लेके आए, तो इस यहाँ पर जो मंडी वाले हैं, तो इन्होंने आपसे कितना चार्ज किया? ये जी पर्ची के ले रहे हैं 6000 रुपये एक जानवर का। एक जानवर का 6000? 6000 रुपये जी। डेली का आपका कितना खर्चा हो रहा है एक जानवर? 6000 रुपये हो जाता है पट्टों का, चारे जो डालते एक दिन का। हाँ जी। आपके कितने जानवर हैं? 50 जानवर है। 50 जानवर है, तो 50ों का मतलब 6000 हो जाए? नहीं नहीं, एक का 6000। 6000 रुपये एक पर्ची का सर, 5-6 हज़ार रुपये का पट्टे डाल देते हैं 50 जानवरों को। अच्छा, मतलब के डेली के 6000 के पट्टे आप डालते हैं? जी जी। तो इसके अलावा भी यहाँ पे कोई मसले मसाइल हैं जानवरों के लिए? हाँ है मसले मसाइल, ये पानी पूरा नहीं मिलता। काफ़ी मसले मसाइल हैं, आखिर मंडियों में इतने बड़ी मंडी है तो मसले मसाइल तो होते रहते हैं। कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि मंडी में बीमारियां वगैरह फैल जाती हैं जानवर में? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला भी नहीं। इस दफ़ा बेहतर है? कोई मसला भी नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरे जानवर हैं ना, अल्लाह ताला इसमें ना। आप पहले भी बेचते रहते हैं जानवर? सेल बहुत ज़्यादा, हर दफ़ा आते हैं। क्या देख रहे हैं कि इस दफ़ा भी वैसा ही रुझान है लोगों का, खरीदारी कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम हो रहा है, काफ़ी जानवर 12-14 जानवर अपने बेच लिए हमने। मतलब कि लोगों का वैसे ही है, शौक शौक से लोग कुर्बानी कर रहे हैं सर, करनी चाहिए लोगों को। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। कितने आप जानवर लेके? 10 ले आए। 10 ले आए, कौन सी जात? हम जिला लहिया से हैं। जिला लहिया से, तो यहाँ पर आने में कितना खर्चा हुआ? एक जानवर का 15000 खर्चा हुआ। एक जानवर का वहाँ से यहाँ तक आने का 10 का हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर जो अंदर यहाँ पे मंडी में आपने बांधा था 6000 ले आए। 6000 एक जानवर, मतलब आपके 10 थे तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया कि छोड़? नहीं जी, पूरे पैसे लिए। पूरे पैसे? पूरे पैसे। कितने दिन हो गए आपको? आज 5वां दिन है। मैं क्या रेट, जिस ज्यादा रेट किसका है? कितना है? बस इसका 2,80,000 बताते हैं, इसका 2-3 लाख। मतलब 2-3 लाख के अंदर अंदर आप? 3,20,000-30,000 है। इतनी उम्र के जानवर आप? दोनों जानवर हैं 2.5 साल का। क्या गाक लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बिक रहा कोई नहीं। नहीं बिक, कम बताते हैं रेट? कम? हाँ रेट कम बताते हैं। आप पहले भी सेल करते रहे? हाँ पहले भी सेल करते रहे। तो क्या लगता है कि इस साल कोई लोगों का जो खरीदने का रुझान है बहुत कम है? कम है। क्या वजह हो सकती है? कुछ समझ नहीं आती, कोई महंगाई की? महंगाई की? हाँ बिल्कुल, महंगाई की वजह से। सही हो गया जी। उम्मीद गंदम वगैरह सारी चीज़ इस तरीके से होते हैं, खरीदारी ने काम में पीछे हैं। क्या उम्मीद लग रही है कि बिक जाएंगे एक दो दिन में? बिक जाएंगे, इनको तो बेच के जाएंगे, जिस बेच के जाएंगे।
अगर रेट सही ना लगा तो कम रेट फिर भी कम रेट पे दे जाएंगे इनको इंशाल्लाह, वो भी कोशिश करेंगे सही रेट लगाएंगे, उनने भी तो लेने तो हैं, हमने भी बेचने हैं। कहाँ से आए हैं जी जानवर? लिया से। लिया से। तो कितने बैल लेके? तीन बैल आए। क्या रेट क्या है इस? माशाल्लाह बड़ा अच्छा जानवर। इसका 7.5 लाख। 7.5 लाख। हाँ जी। तो क्या गाकों का क्या है? गाक खरीदारी है नहीं, नहीं है, नहीं है खरीदारी है नहीं, और हम खर्चे करके बहुत ज्यादा डिमांड आगे खरीद कर आए हैं, खरीदारी है नहीं, खड़े हैं क्या करें। तो आप खरीद के ले आए या आपके अपने थे? खरीद के लाए हैं। बहुत महंगे। तो अभी क्या देख रहे हैं कि कुछ बिक जाएगा? कुछ बस एंड तक बेच गया वापस ले जाएंगे। अच्छा, ये जो मंडी वाले 6,000 रुपया ले रहे हैं फी जानवर, तो ये एक ही बार ले लेते हैं ईद तक? हाँ, ईद तक 6,000 रुपये ले लेते हैं, बाकी शमियाने के वो अलहदा अपना होता है, पानी वगैरह ये सारा कुछ आपका अपना है? नहीं, पानी वही देते हैं, पानी वही देते हैं। 6,000 रुपये ठीक।